नमस्कार साथियों, ईओआरओ और सीईटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऑनलाइन स्टडी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, जिससे कि आपकी सफलता निश्चित हो सके। तो अपन विषय चल रहा था राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं। उसमें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बालुका स्तूप युक्त और मुक्त, घग्गर बेसिन, शेखावटी अंतः प्रभावी क्षेत्र और अपने जोपड़ा, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ा प्रदेश, लुणई जुवाई बेसन, उन छह भागों का, छह प्रदेशों का अपने पूरा क्षेत्र वाइज अध्ययन हो गया है। अब अपन आज का विषय है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो अरावली में क्या क्या मुख्य चीजें हैं उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो इस क्षेत्र में क्षेत्रफल कितना है, यानी अरावली जो प्रदेश है चार भागों में बांटा गया है, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उसमें अपने सेकेंड वाला भाग है ये दो नंबर अरावली प्रदेश, उसमें क्षेत्रफल कितना आता है, तो क्षेत्रफल इसमें कितना आता है 10%, और 10% क्षेत्रफल पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या कितनी निवास करती है, क्षेत्रफल 9% और जनसंख्या निवास करती है 10%, ठीक है। और अपन इसकी बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो 930 मीटर है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। अब और इसकी बात करें तो मिट्टी, मिट्टी कैसी है, तो वनीय, वनीय पर्वतीय या ओब्लिक काली भूरी, काली भूरी और लाल कंकरीली, कंकरीली का मतलब लाल, और लाल और कंकरीली क्यों है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी है वो लाल और कंकड़ युक्त होती ही है। और मिट्टी कैसी है, अब बात करें तो जलवायु इस क्षेत्र की, जलवायु कैसी है, तो ये वाला क्षेत्र 50 सेमी से 80 सेमी के बीच आता है, तो ये आता है उपार्द्र जलवायु है। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, उपार्द्र जलवायु है। और इस क्षेत्र में बात करें तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई, यानी कि ये भौतिक रूप से या जिसका निर्माण है वो किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड, यानी पेंजिया था, पेंजिया के दो भाग थे, तो एक तो था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड, तो ये भाग किसका है, अरावली, अरावली वाला जो भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथिस सागर का भाग है। और किस काल में उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति समय, तो यह परिकैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई, यानी अरावली क्षेत्र की उत्पत्ति है वो परिकैम्ब्रियन काल में हुई, और परिकैम्ब्रियन काल है ना वो शुरुआती काल माना जाता है, और इसका समय है परिकैम्ब्रियन काल का 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है इसका समय टोटल। और अगर पूरी समय सारणी विश्व की धरातल की मान ले तो 88% समय है वो परिकैम्ब्रियन काल के अंतर्गत ही आता है, और वैसे इसकी उत्पत्ति 65 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, और अरावली पर्वतमाला है वो संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अब इसमें और बात करें तो इसका ढाल की बात करें, ढाल तो पर्वत क्षेत्र है तो ढाल इसका किस प्रकार से होगा, पार्श्विक की ओर, पार्श्विक की ओर इसका ढाल होगा। अब अगर राजस्थान के नक्शे में अगर बात करें
तो ये वाला क्षेत्र तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ गया, और ये वाला जो क्षेत्र है ये इस प्रकार से, इस क्षेत्र में ये ज्यादा चौड़ाई लिए हुए है और उस क्षेत्र में ज्यादा चौड़ाई लिए और बीच में ये कम चौड़ाई लिए हुए है। तो ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा? अरावली प्रदेश के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। और इनकी मुख्य बातों में और बात करें इसी क्षेत्र में, अब आगे इसके विभाजन भी अपने कर सकते हैं। तो इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, अरावली प्रदेश को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी, पूर्वी पहाड़ियां। इस पूरे क्षेत्र को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां, दूसरा हो जाएगा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा अगर इसको दो भाग तीन भागों में बांटे तो सी नंबर में तीसरा हो जाएगा पश्चिमी अरावली प्रदेश। अब अगर और इसकी बात करें तो ये कहां तक, अगर विस्तार की अगर बात कर ले तो ये तो अपन हो गए तीन भाग। अब अगर इसकी विस्तार की बात करें तो सबसे पहले एक पॉइंट और बना लेते हैं, विस्तार। तो विस्तार इसका कहां से है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। या अगर अपन कह सकते हैं कि शुरुआत इसकी कहां से हुई है, तो शुरुआत इसकी अरब सागर से होती है। वैसे ही अरावली या गुजरात हो गया और शुरुआत होती है अरब सागर से। अरब सागर में एक द्वीप है मिनिकाय, तो इसकी शुरुआत है वो अरावली की, वो मिनिकाय द्वीप अरब सागर से होती है, इसीलिए इस द्वीप को अरावली का पिता कह सकते हैं। ये द्वीप अरावली का पिता अपन इसको कह सकते हैं। तो इसकी विस्तार की बात करें तो विस्तार अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। और विस्तार कहां से स्टार्ट होती है? अरब सागर से, मिनिकाय द्वीप से स्टार्ट होकर के और यहां लास्ट में जाती है दिल्ली तक। दिल्ली में कहां तक जाती है? एक रायसीन पहाड़ी है, रायसीन हिल्स, रायसीन हिल्स, जिसपे राष्ट्रपति भवन है। तो अगर बात करें तो अरावली धुर, अरावली की जड़ है वो अरब सागर मिनिकाय द्वीप से स्टार्ट होकर के कहां पर समाप्त होती है? रायसीन हिल से दिल्ली, जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन है, वहां इस पर समाप्त हो जाती है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि इसका विस्तार किससे कैसे है? दक्षिण पश्चिम, यानी इसको नैऋत्य दिशा कहते हैं, से उत्तर पूर्व, जिसको ईशान कहते हैं, यानी नैऋत्य दिशा से ईशान दिशा से इस दिशा तक है, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक इसका विस्तार है। और कहां से? अरब सागर के मिनिकाय से रायसीन दिल्ली तक है। और इसका जो जो ये दिशा है वो कहां से हो गई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो गई। और इसका विस्तार किस राज्यों में है? विस्तार सबसे पहले ये गुजरात में है, दूसरे नंबर पर हो गया राजस्थान, तीसरे नंबर पर हो गया हरियाणा, और चौथे नंबर पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। यानी तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 80% इसको राजस्थान ही कवर करता है। यह तो इसकी जड़ हो गई। वैसे अरावली का मूल विस्तार अगर माने ना, मूल अरावली, मूल पर्वतमाला, मूल पर्वतमाला पालनपुर से स्टार्ट होती है, पालनपुर गुजरात से,
रायसीन हिल्स, दिल्ली तक है। मूल पर्वतमाला है वो पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और रायसीन हिल से दिल्ली तक है। अब अगर और इसमें बात करें तो राजस्थान में ये कहां से स्टार्ट होती है, विस्तार में आ रहा है, राजस्थान से, राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो कहां से स्टार्ट होती है, खेड़ा ब्रह्म, खेड़ा ब्रह्म एक स्थान है सिरोही में, यहां से स्टार्ट होती है और राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक है। यानी अगर राजस्थान में बात करें तो खेड़ा ब्रह्म सिरोही से स्टार्ट होकर के खेतड़ी झुंझुनू से, यहां पर खेड़ा ब्रह्म से स्टार्ट होकर के यहां खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है और पूरी अरावली का 550-80% हिस्सा किसमें पड़ता है, अपने राजस्थान के अंतर्गत ही पड़ता है। तो ये उसका विस्तार की मुख्य मुख्य बात हो गई, किस क्षेत्र में और किस दिशा में इसका विस्तार है। अब इसको और अरावली को जो अलग अलग भागों में बांटा गया है उसकी भी अगर बात करते हैं, उससे पहले अरावली के बारे में थोड़ा सा एक चीज और ले लेते हैं। और अरावली की अगर इस बारे में और बात करें तो अरावली क्या है, एक अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला की श्रेणी में आती है। वलित का मतलब हुआ कि इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण की दृष्टि से यह वलित पर्वतमालाओं में इसका स्थान आता है। और दूसरे नंबर पर और बात करें तो समय की दृष्टि से अरावली, समय की दृष्टि से यह सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम है समय की दृष्टि से, समय अनुसार कह सकते हैं अनुसार। और वर्तमान में यह क्या है, अवशिष्ट पर्वतमाला है, के अंतर्गत आती है। एक यूएसए का एक पर्वत है, अवशिष्ट का मतलब क्या हो गया कि मूल पर्वतमाला थी वो विखंडित हो चुकी है, उसका अवशेष बचा है, बहुत लंबे समय से सबसे प्राचीनतम है। तो ये यूएसए का एक, यूएसए में एक पर्वतमाला है अल्पेशियन के समान है। अगर ये तुलना का प्रश्न पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला अमेरिका के किस पर्वत के समान है, तो अल्पेशियन पर्वतमाला के समान है। अब इसमें कौन सी शैलें पाई जाती है, शैलें मतलब चट्टाने, चट्टाने तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो इसमें मुख्य रूप से अवसादी और कायांतरित शैलें पाई जाती है। अरावली में कौन सी शैलें पाई जाती है, अवसादी और कायांतरित शैलें पाई जाती है और मुख्यतः प्रधानता किसकी है, प्रधानता क्वार्टरजाइट और फाइलाइट शैलों की प्रधानता है, शैलों की प्रधानता है। तो ये मुख्य रूप से इसमें शैलें पाई जाती है। अब अरावली का बहुत और उप विभाजन की अगर बात करें तो अपने तीन इसको उप विभागों में बांटा ही है और उसमें जिले शामिल कर लेंगे और जिलों का अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इसको अपने उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों, तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है यानी खेतड़ी झुंझुनू से लेकर के सांबर जयपुर तक, सांबर जयपुर तक जो भाग है वो का कौन सा भाग कहलाता है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां कहलाती है। तो उसको अपन कह सकते हैं
खेतड़ी झुंझुनू से सांभर जयपुर तक। तो ये वाला जो भाग है खेतड़ी झुंझुनू से लेकर के सांभर जयपुर तक वाला जो भाग है वो उत्तरी अरावली के अंतर्गत है, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत शामिल है होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ सकते हैं, तो एक तो इसमें हो जाएगा शेखावाटी में, शेखावाटी के अंतर्गत अपने पास दो ही जिले होंगे सीकर और दूसरा जिला हो जाएगा झुंझुनू। और पूर्वी पहाड़ियां ये वाला जो इस ये क्षेत्र है उसमें सीकर और झुंझुनू शामिल हो जाएगा। ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां है ना, ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत है, पूर्वी पहाड़ियां इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हो जाएंगे, अलवर जयपुर और दौसा जिले इसके अंतर्गत है शामिल हो जाएंगे। तो अपने पास टोटल कितने जिले इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, पांच जिले उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। अब मध्यवर्ती अरावली प्रदेश ये अपन इसको क्षेत्र की बात करें तो ये सांभर झील से लेकर कहां तक हो जाएगा, सांभर झील से राजसमंद तक। तो सांभर झील से लेकर के राजसमंद तक है ये जो बीच वाला क्षेत्र, ये किस में आ जाएगा, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, मेरवाड़ा भी कहते हैं इसको। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा, मेरवाड़ा के अंतर्गत आ जाएगा। और मुख्य रूप से इसमें जिले कौन से हो जाएगा, अजमेर जिला हो जाएगा, दूसरा जिला राजसमंद हो जाएगा और कुछ भाग टोंक का हो जाएगा, थोड़ा सा टोंक इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये अपना हो गया मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। अब दक्षिणी अरावली प्रदेश इसको फिर अपन दो भागों में बांट सकते हैं, इसको अपन दो भागों में बांटा ना, शेखावटी और पूर्वी पहाड़ियां, और इसका एक ही भाग है सांभर झील से राजसमंद तक। और इसको अपन फिर तीन भागों में बांट सकते हैं, इस क्षेत्र को अगर माने तो राजसमंद से शिरोई तक यानी खेड़ा ब्रह्मा तक ये क्षेत्र शामिल हो जाएगा, राजसमंद से लेकर के शिरोई तक। और इसको फिर दो भागों में बांट सकते हैं, एक आबू खंड, मुख्य रूप से जो अरावली है वो यही है आबू खंड, और दूसरा हो जाएगा मेवाड़ खंड। अब अगर आबू खंड की अगर जिलों की बात करें तो इसमें एक ही जिला शामिल हो जाएगा शिरोई, और मेवाड़ खंड के अंतर्गत जिले कौन सा शामिल हो जाएगा, उदयपुर, दूसरा राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और पांचवा डूंगरपुर। तो इस प्रकार कुल मिला के पांच जिले यहां आ गए और एक राजसमंद निकाल के पांच यहां आ गए, दस और तीन तेरह। तो अगर ये क्वेश्चन आए भी लगभग, अगर इसमें विवाद की स्थिति भी रहती है कुछ जगह सोलह जिलों भी दिखाया जाता है अरावली कितने जिलों में फैली हुई है, परंतु मुख्य रूप से जो अरावली फैली हुई है वो तेरह जिलों में ही मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो अपने पास कितने जिले हो गए, तेरह जिले हो गए। अब इसमें खेतड़ी झुंझुनू से इसमें कोई मुख्य बातें इसके अंतर्गत थोड़ी सी और जोड़ लेते हैं, और इसमें क्या खास बात है, तो ये क्षेत्र कहां से कहां तक हो गया, कौन से जिले शामिल हो गए। सबसे ऊंची चोटी की बात कर लेते हैं इस क्षेत्र में, यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची जो चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर और कौन से जिले में पड़ती है की प्रधानता है, क्वार्टरजाइट, फलाइट और बालू पहाड़ियां हैं, बालू पहाड़ियों की इसमें प्रधानता है। अब इसमें मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में अगर चोटी की बात करें
तो उसमें दो चोटियां मुख्य रूप से निकलकर आती है, एक टाडगढ़ और तारागढ़। एक टाडगढ़ जो 934 मीटर है ये, और ये दोनों के दोनों क्या है, पहाड़ी किले भी है। तो अरावली की एक विशेषता में ये आ जाएगा कि ये मुख्य रूप से किलों के रूप में अरावली, अरावली की विशेषता वाला जो जो अपन लेंगे टॉपिक उसके अंतर्गत आ जाएगा तारागढ़। एक अपन बात करते हैं तारागढ़ की, तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो 873 मीटर है, 873 मीटर है, और ये सबसे कम विस्तारित है। उत्तरी पूर्वी अरावली सेकंड नंबर में विस्तारित है, और सबसे ज्यादा विस्तारित कौन सा है, दक्षिणी पूर्व पश्चिमी अरावली प्रदेश है, और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश सबसे कम है, उस तीन जिले और चोटी मुख्य रूप से ये होगी। अब अगर इसमें बात करें तो इसमें सबसे ऊंची चोटी की बात करें, इसमें सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, जो राजस्थान में और पूरी अरावली की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है ही। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो आज अपन ने अरावली के बारे में जो मुख्य मुख्य अध्ययन है, किस प्रकार से इसका विभाजन है, कौन कौन सी उसकी चोटियां हैं, किस प्रकार से इसको क्षेत्र में बांट सकते हैं, अरावली कैसे फैली हुई है, जैसे अरावली का फैलाव किस प्रकार से रूप है, कर्णवत रूप में, कर्णवत रूप में अरावली फैली हुई है। ये एक तानपुरे के समान एक आकृति सी बनाती है, तो ये कर्णवत रूप में फैली हुई है अरावली। तो अरावली के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी, कौन कौन सी चीजें, अब उसको फिर उसको और गहराई में पढ़ेंगे, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां हैं उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आती है और कौन कौन सी उसमें चोटियां शामिल है, और भी उसमें बहुत सारी चोटियां हैं और जो पहाड़ियां हैं वो करेंगे। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में कौन कौन सी आती है और दक्षिण अरावली प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां आती है, मुख्य रूप से पहाड़ियां कौन सी आती है और मुख्य मुख्य चोटियां कौन सी आती है, और जो अरावली की टॉप जो 15-20 चोटियां हैं उसको अलग से अध्ययन लेंगे, पहाड़ियों को अलग से लेंगे, अलग अलग क्षेत्र में जो पहाड़ियां आती है उनको अपना अलग से लेंगे, और उसमें जिले भी अरावली में कौन कौन सी नदियां आती है उसको विशेषताओं का जो एक है वो अगली क्लास विशेषताओं को लेकर आएंगे, अरावली में क्या क्या विशेषताएं और है। जय हिंद, जय भारत।